नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम यादव और आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी क्रंच। तो इस बात में कोई दोराय नहीं है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और पूरा देश लॉकडाउन में है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी देश लॉकडाउन नहीं है लेकिन सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ कोरोना वायरस के मामले होने के बाद भी देश लॉकडाउन में नहीं है और वो देश है सिंगापुर। सिंगापुर में सब कुछ सारे स्कूल कॉलेजेस एज इट इज चल रहे हैं। आखिर क्यों नहीं है सिंगापुर कंप्लीट लॉकडाउन में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से जिसको बताया है वहीं के एक डॉक्टर ने। कोरोना वायरस के लिए सिंगापुर की प्रतिक्रिया को एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। अभी तक सिंगापुर में शून्य मौतों के साथ 266 कुल मामले सामने आए हैं और इसकी संक्रमण दर दुनिया के बाकी देशों की तुलना में काफी धीमी है। पहली चीज जिसने इसकी प्रतिक्रिया के साथ मदद की वह है 2002-2003 में आए SARS कोरोना वायरस यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तब पता चला कि इनका बुनियादी ढांचा इस तरह के प्रकोप के लिए अभी तैयार नहीं था, इसलिए तब से अब तक सिंगापुर ने कई अलग अस्पताल बनाए, कई निगेटिव प्रेशर वाले कमरे बनाए और इसके लिए कई कानून लाए गए। फिर 31 दिसंबर को जब दुनिया को चीन के कोरोना वायरस के बारे में पता चला तब ये वापस तैयार होना शुरू हुआ। फिर जब जनवरी के अंत में WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया तब तक सिंगापुर पूरी तरह से तैयार था। फिर फरवरी के आते आते सिंगापुर को यह पता था कि इस वायरस के कई स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इनको पता था कि जिस वायरस ने 140 करोड़ की आबादी वाले देश को अपने घुटने पर ला दिया था उसके सामने वो क्या थे। अभी तक एशिया के बाकी देश जैसे कि हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया इस वायरस से काफी डरे हुए थे, लेकिन दुनिया के बाकी देश इसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात जिसने सिंगापुर को दुनिया से अलग किया हुआ यह है कि सिंगापुर ने किसी भी पॉजिटिव पेशेंट को वापस कम्युनिटी में जाने नहीं दिया। जिन हल्के केसेस को ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका ने घर भेज दिया वैसे केसेस को भी सिंगापुर ने अलग अस्पताल में रखा। उनका कहना है कि होम क्वारंटाइन बहुत मुश्किल है, आप अपने परिवार से घुल मिल नहीं सकते, आपके पास अपना शौचालय नहीं होता और आपके घर कोई मिलने नहीं आ सकता। उनका कहना है कि अगर आप लोगों को घर भेज रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह किसी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। सिंगापुर में उनका डॉक्टरों का कहना है कि जब तक वायरस कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता तब तक लोगों को घर नहीं भेजते और उनके पास सभी पॉजिटिव पेशेंट को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त जगह है। सिंगापुर में एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम है जो कि एक संक्रमित व्यक्ति के सारे कॉन्टैक्ट्स की पहचान करती है और उन्हें रिंग करती है। अक्सर इन लोगों में शुरुआती लक्षण दिखते हैं और वह उन्हें उठाकर उनकी जांच करने की व्यवस्था करते हैं। सिंगापुर में कुल 1% से भी कम पॉजिटिव केसेस हैं, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा जाँचें हुई होंगी। जिन लोगों को लक्षण नहीं होता उनको होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता है और होम क्वारंटाइन काफ़ी सख्त है। दिन में 2 बार आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है और उस मैसेज में होती है एक लिंक। उस लिंक को क्लिक करने पर पता चलता है कि आपका मोबाइल कहाँ है। यदि आप मोबाइल किसी और के हाथ में छोड़कर धोखा देते हैं और बाहर चले जाते हैं तो सरकार के पास लोग हैं जो आपके घर तक, दरवाजे तक आते हैं और इसके दंड काफ़ी कठोर हैं। उनका कहना है कि वह सामुदायिक जुड़ाव पर काफ़ी मजबूत हैं। उनके मैसेजेस में लिखा होता है यदि आप बीमार हैं तो घर पर रहिए, यदि आप बीमार हैं और किसी COVID-19 मरीज के संपर्क में आए हैं तो टेस्ट के लिए आइए, यदि आप घर पर नहीं रह सकते तो मास्क पहन कर ही बाहर निकलें, यदि आप खांसते हैं तो कोहनी पर ही खांसे अगर, और पूरी तरह से भीड़ से बचिए। बाकी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जाता है और बार और रेस्टोरेंट मालिकों को बताया जाता है कि अपने व्यवसाय में कम से कम लोगों रखने का प्रयास करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ बंद हो जाएगा, कई राजस्व और कई व्यवसाय खो जाएंगे। सब लोग इसका पालन करते हैं और यदि लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो उनका कहना है कि उन्हें चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। मैसेजिंग काफ़ी रणनीतिक है। प्रधानमंत्री हर 2 हफ्ते में टेलीविज़न पर आते रहते हैं। लोगों का सरकार पर काफ़ी भरोसा है जिससे सरकार को बहुत मदद मिलती है। सरकार भी लोगों को मैसेज द्वारा अपडेटेड करती रहती है, बताती है कि बाकी देशों में क्या चल रहा है और सिंगापुर में क्या करने की आवश्यकता है। उन्होंने एक कार्टून जन जागरूकता अभियान शुरू किया है जिससे लोग जुड़ सकते हैं और वह काफ़ी लोकप्रिय भी है। ऑनलाइन उन्हें 1 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और WHO अब उन्हें बाकी अन्य भाषाओं में अनुवाद कर रहा है। उनका कहना है कि यह सब जानते हैं कि बच्चों पर सिम्टम्स काफ़ी कम दिखते हैं या फिर नहीं होते हैं, इसलिए स्कूलों को बंद करने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। उनका कहना है कि वह चाहते हैं
कि सिंगापुर में जीवन सामान्य रूप से चलता रहे, सभी व्यवसाय, चर्च, रेस्टोरेंट और स्कूल नियमित रूप से चलते रहें, आवश्यकता अनुसार सब कुछ आगे होता रहेगा। और उनका कहना है कि जब तक कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता, वह ऐसा करते रहेंगे। सबसे पहले उन्होंने हुबेई और वुहान से आने वाले लोगों का परीक्षण किया। इसके बाद पिछले 14 दिनों में चाइना से आने वाले हर एक आदमी का उन्होंने परीक्षण किया। इसके बाद स्क्रीनिंग बढ़ी और कोई भी व्यक्ति जिसको सांस की बीमारी है, उन सब का परीक्षण किया गया। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति है और वह किसी भी COVID-19 मरीज के संपर्क में नहीं आया है, तो उसको घर भेज दिया जाता था और उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया जाता था, जिससे उसे 5 दिनों तक काम से घर में रहने की अनुमति मिल जाती थी। और अगर वह एक डेली वर्कर है तो उसे वित्तीय सहायता भी दी जाती थी। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने देश भारत की, तो हमारी आबादी है 130 करोड़। वहीं सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की आबादी है मात्र 55 लाख। तो उस जैसे छोटे से देश को यह सब करना काफ़ी आसान है, लेकिन हमारे देश को नहीं। फिर भी हमारे देश ने कई देशों से पहले 25 जनवरी से ही एयरपोर्ट स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। बस हमको ये करना है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमें सरकार की मदद करनी है, हमें अपने घर पर ही रहना है। सरकार ने हमारे लिए कई रिलीफ फंड जारी किए हैं, जिसमें कोरोना वायरस के लिए 1,70,000 करोड़ का रिलीफ फंड तय किया गया है। अभी WHO ने फिलहाल भारत की काफ़ी तारीफ की थी और जिस तरह हम पोलियो मुक्त भारत बने, उसी तरह हम कोरोना वायरस मुक्त भारत जल्द ही बनेंगे। तो जब कभी भी बाहर जाइए तो ग्लव्स और मास्क पहनकर जाइए और अपने हाथ धोते रहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।